अब बता दें, एनआईए का बड़ा दावा, आईएसआईएस के लिए लड़ाके तैयार कर रहा है पीएफआई। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है और यह बड़ी साजिश की है, एनआईए ने यह दावा किया है। पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने यह दावा किया है कि पीएफआई मुस्लिम युवाओं को लश्कर और आईएसआईएस के जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती कराने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। और हाल ही में कई राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद कई खुलासे हुए। एनआईए ने रेड के बाद ये दावा किया कि पीएफआई युवाओं को आतंकवादी संगठन लश्कर आईसिस और अलकायदा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं पर पीएफआई इसके लिए देश भर के मुस्लिम युवाओं को टारगेट करता है और इसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। युवाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। केरल के एक विशेष अदालत के सामने एनआईए ने इस बात का खुलासा किया है। एनआईए ने पीएफआई के सदस्य और केडरों पर शांति को बाधित करने और भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने का आरोप लगाया है। एनआईए ने कोर्ट से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की रिमांड की मांग करते हुए दावा किया कि पीएफआई के नेता, सदस्य और कार्यकर्ता मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर इस्लामिक स्टेट जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों में भर्ती कराने में शामिल थे। भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की पूरी साजिश और इस मामले की जांच एनआईए की कोच ब्रांच कर रही है। एनआईए ने कोची के विशेष अदालत के सामने आरोप कर माना। बता दें कि अशरफ मौलवी, पीएफआई की शिक्षा बी के राष्ट्रीय प्रभारी और अन्य की न्यायिक रिमांड की मांग की है। और अपनी रिपोर्ट में एनआईए ने कहा कि आरोपी ने धार्मिक दुश्मनी पैदा करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने की साजिश रची है। एजेंसी ने यह भी कहा कि संगठन कथित तौर पर भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए इस तरह से वातावरण कर रही है और पीएफआई ने हिंसक जिहाद के हिस्से के रूप में आतंकवादी कृत्यों को अज्ञान देकर भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की साजिश रची जा रही है। एनआईए की ओर से कहा गया कि रेड के दौरान एनआईए के ठिकानों से आपत्तिजनक कई सारी सामग्री जो है वो बरामद की गई है। जब्त किए गए दस्तावेजों में एक विशेष समुदाय के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने से संबोधित अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री मिली है और जब्त की गई हिट लिस्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दी गई है कि पीएफआई जो अपने नेताओं, सदस्य और सहयोगियों तक से माध्यमों से काम करवा रही थी देश में समुदाय के बीच अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और आपको बता दें कि गुरुवार को एनआईए, ईडी और कुछ राज्य की पुलिस के जरिए पीएफआई के 93 लोकेशन पर छापे डाले गए और जिसमें पीएफआई के कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। संगठन हो उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम उसके खिलाफ हैं। नहीं, अगर सरकार को लगता है कि वो गैरकानूनी काम करती है तो सरकार कर सकती है, और अगर सरकार को नहीं लगता है कि वो गैरकानूनी काम नहीं कर सकती तो सरकार को नहीं करना। नहीं देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। अगर सरकार को लगता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, और सरकार को नहीं लगता, लेकिन सरकार कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए। देखो, अगर सरकार को लगता है कि वो गलत काम करते हैं तो वैन लगना चाहिए, और उनको लगता है कि नहीं करते हैं तो नहीं लगना चाहिए। अगर कोई गैरकानूनी गतिविधि सरकार को नज़र आती है तो वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सकती है। सर, जो लीगल इन्वेस्टिगेशन सरकार करना चाहती है वो अपनी करे, अगर कोई माइनस पॉइंट नज़र आता है तो वो